हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो में बीड साइंस बैच 4 2019 जून 5 रो जो बायोलॉजी पीवाईक्यू अच्छी 20 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो स्टार्ट करिबा क्वेश्चन 51। अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेसीज इन ए बेयर एरिया इज नोन एज। हमर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हुए न्यू स्पेसीज रो एस्टैब्लिशमेंट हम कौटी बेयर एरिया माने जोड़ी किसी भी आगर प्लांट नमती कि एमती जगार न्यू स्पेसीज एस्टैब्लिशमेंट को कौन कह जाए इनवर्सन स्टेबलाइजेशन देन कंपटीशन डीन्यूडेशन। तो आंसर कौन हम जो जगार किसी भी नगर के प्लांट हो नमती कि रॉक रे के प्लांट हो न था तो स्टार्टिंग हम से रॉक रु फॉर्मेशन हम कह प्लांटर तो से बेयर एरिया रे जदि न्यू स्पेसीज एस्टैब्लिशमेंट हैला सेपरी इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमें कौन कह आंसर हम कौन ऑप्शन ए इनवर्सन। जदि गोटे बेयर एरिया माने आगुरु किसी भी प्लांट से एरिया रे नथिबो न्यूली एस्टैब्लिशमेंट होउथिबो तो से एरिया रे जो न्यू स्पेसीज एस्टैब्लिशमेंट हैला ताकु कौन कह इनवर्सन। 51 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन ए इनवर्सन। देन क्वेश्चन 52। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैव ए पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटेड बाय ए सेंट्रली लोकेटेड। जो हमारो क्लोरोफिल अच्छी जोटा कि कौन करे ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करे आउ फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे सॉरी सनलाइट को ऑब्जर्व करे आउ फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे जोटा कि लीफ रे थाए। तो से जो क्लोरोफिल अच्छी सेंट्रल रे जो क्लोरोफिल रो सेंट्रली लोकेटेड को आटम टा अच्छी जिंक आटम बी कॉपर आटम सी मांगानीज आटम ना डी मैग्नीशियम आटम। तरे क्लोरोफिल रे को आटम अच्छी सेंटर रे हमर कौन अच्छी मैग्नीशियम आटम एमजी। क्लोरोफिल रे मैग्नीशियम अच्छी ता सहित जो स्टोमाटा अच्छी लीफ रे तार क्लोजिंग आउ ओपनिंग पई के हेल्प करे को आटम पोटाशियम। स्टोमाटार क्लोजिंग आउ ओपनिंग पोटाशियम हेल्प करे ता सहित जो क्लोरोफिल आमर अच्छी लीफ रे जे कि सनलाइट को ऑब्जर्व करे आउ फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे तो से जो सेंटर रे जो आटम अच्छी से होची मैग्नीशियम आटम। 52 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन डी मैग्नीशियम आटम। देन क्वेश्चन 53। इन प्लांट्स द प्रोटीन्स फॉर्म्स चैनल्स इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन हुईज बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द सेम मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन इज टर्म्ड एज। तो आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी जोटा कि लिपिड लेयर एंड प्रोटीन लेयर रे गठित। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ सेमी परमेबल मैंने सबू पदार्थर ता भितर को जापारे कि सब पदार्थ ता भितर को जापारे कि आसपारे किसी निर्दिष्ट पदार्थ अच्छी जी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे जाए आउ आसे तेणु प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा कौन सेमी परमेबल। तो ये देखिए जो प्रोटीन अच्छी से किसी चैनल गठन करोटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे जो प्रोटीन चैनल गोटे कला मेम्ब्रेन रे गोटे प्रोटीन गोटे चैनल करें जाने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेयर लिपिड लेयर अच्छे सहित किसी प्रोटीन लेयर भी अच्छी जहाँ को आमर दी प्रकार प्रोटीन लेयर था इंटेग्राल प्रोटीन आउ गोटे पोरीफेरल प्रोटीन। तो जो प्रोटीन लेयर रे भी किसी कौन हुए मॉलिक्यूल जाए आसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सेल भितर को जाए पुण सेल बाहर को आसे। तो यहीटा गोटे जो प्रोटीन लेयर प्रेजेंट अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे तो तार गोटे कौन अच्छी प्रॉपर्टीज अच्छी से कौन करे किसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे बा जो प्रोटीन चैनल दे करी गोटे टाइप रो मॉलिक्यूल जाए भितर को आसे ताको आम कह यूनिपोड गोटे डायरेक्शन रे आ गोटे प्रकार मॉलिक्यूल आसीबा को कह जाए यूनिपोड। देन से प्रोटीन चैनल दे जदि दीटा डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल आसला डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल गोटे डायरेक्शन रे आसला ताको कहबा सिंपोड। जदि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देकरी कौन हुए डिफरेंट टाइप रो मॉलिक्यूल गोटे एपट को आसला गोटे सेपट को जीव तो डायरेक्शन चेंज अपोजिट डायरेक्शन रे आसला तो ताको कौन कहबा ताको कह जाए एंटीपोड। ए जो ऑप्शन अछि हमर सिंपोड एंटीपोड यूनिपोड। तो हमर सिंपोड कौन है फर्स्ट यूनिपोड यूनिपोड हमर है जो
ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଯେଉଁ ମେମ୍ବ୍ରିନ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଲେକୁଲ ଆସିଲା ତାକୁ କହିବା ୟୁନିପଡ୍ ଦେନ୍ ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇ ଯଦି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟୁ ଟାଇପ୍ର ମଲେକୁଲ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିମ୍ପଡ୍ ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରିନ୍ ଦେଇକରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଲେକୁଲ ଗୋଟେ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେପଟ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଯିବ ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସିମ୍ପଡ୍ ତ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମେମ୍ବ୍ରିନ୍ ଫର୍ ମଲେକୁଲ୍ସ ଟୁ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ବୋଥ୍ ମଲେକୁଲ୍ସ କ୍ରସ୍ ଦ ମେମ୍ବ୍ରିନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ସିମ୍ପଡ୍ ସିମ୍ପଡ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମଲେକୁଲ୍ ୟୁନିଡିରେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବ ତାକୁ କହିବା ସିମ୍ପଡ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମଲେକୁଲ୍ ଗୋଟେ ଏପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ଗଲା ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କଲେ ତ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଣ୍ଟିପଡ୍ ତ ୟୁନିପଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଲେକୁଲ୍ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବ ୟୁନିଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିବ ତ ତାକୁ କହିବା ୟୁନିପଡ୍ ତ ତାହେଲେ ଯେଉଁ 53 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିମ୍ପଡ୍ ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ମଲେକୁଲ୍ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ସିମ୍ପଡ୍ 53 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିମ୍ପଡ୍ ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 54 ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଟାକ୍ସୋନୋମିକାଲ୍ ହାଇରାକି ହୁଇଚ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅଫ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ କିଛି ସିମିଲାର ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ ବା ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଟାକ୍ସୋନୋମିକାଲ୍ ହାଇରାକି ହେଉଛି ବା ଟାକ୍ସୋନୋମିକାଲ୍ ଯେଉଁ ନୋମେନୋକ୍ଲେଚର୍ ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଟା ନେମ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ର ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ଆନିମଲ୍ ହେଉ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ନେମ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ଜେନେରିକ୍ ନେମ୍ ଦେନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନେମ୍ ବା ସ୍ପେସିସ୍ ନେମ୍ କୁହେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିମିଲାର ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ଜିନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ ଜିନସ୍ ଜିନସ୍କୁ ନେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଅର୍ଡ଼ର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ଫାଇଲମ୍ ଦେନ୍ ଫାଇଲମ୍କୁ ନେଇକି କିଙ୍ଗଡମ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ ତେବେ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଆମର ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ 54 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଫାଇଲମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଫାଇଲମ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତା'ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଜିନସ୍ରେ ଦେନ୍ ଜିନସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ରେ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥାନ୍ତା ସ୍ପେସିସ୍ ତା'ପରେ ଜିନସ୍ ତା'ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଲମ୍ ଦେନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ତ କେଉଁ ହାଇରାକିଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ଫାଇଲମ୍ କେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ ଡିଟା କରେକ୍ଟ ଫାଇଲମ୍ ଦେନ୍ ଫାଇଲମ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ହେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଛି ଜିନସ୍ରେ ଦେନ୍ ଜିନସ୍ ହେଇଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଫାଇଲମ୍ ଉପରକୁ କ'ଣ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆମର 5 କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଛି ଆନିମଲିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଦେନ୍ ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ମୋନେରା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସୋନୋମିକାଲ୍ ହାଇରାକି ଅଛି କରେକ୍ଟ ରାଙ୍କିଂ କେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫାଇଲମ୍ ଫାଇଲମ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଜିନସ୍ ଦେନ୍ ଜିନସ୍ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ସ୍ପେସିସ୍ରେ 54 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 55 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆନିମଲ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଫାଇଲମ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ତ କେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କେଉଁ ଆନିମଲ୍ଟା ଫାଇଲମ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛି ଟେପୱର୍ମ ବ୍ଲଡ୍ ସକିଂ ଲିଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଓର୍ମ ୟାର୍ଥୱର୍ମ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟେପୱର୍ମ ଟେପୱର୍ମ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଟିନିଆ ସେଇଟା କେଉଁ ଫାଇଲମ୍ରେ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଦେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଓର୍ମ ଆସ୍କ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସକିଂ ଲିଜ୍ ୟାର୍ଥୱର୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ଯିବ ଏନଲିଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ୍ ସକିଂ ଲିଜ୍ ୟାର୍ଥୱର୍ମ ଏନଲିଡ଼ା ଦେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଓର୍ମ ହେବ ଆସ୍କ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେପୱର୍ମ ଟିନିଆ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ରେ ଆମର 11 ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ 11 ଫାଇଲମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପୋରିଫେରା ଦେନ୍ ସିଲେଣ୍ଡରାଟା ଦେନ୍ ଟିନୋଫୋରା ଦେନ୍ ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଆସ୍କ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଦେନ୍ ଏନଲିଡ଼ା ଆର୍ଥୋପୋଡ଼ା ମୋଲୁସ୍କା ଏକାଇନୋଡ଼ମାଟା ହେମିକଡ଼ାଟା କଡ଼ାଟା 11 ଫାଇଲମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି କାହାକୁ ଆନିମଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ନେମ୍ ଦେଇଛି କିଏ ଟେପୱର୍ମ ବ୍ଲଡ୍ ସକିଂ ଲିଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ୟାର୍ଥୱର୍ମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟେପୱର୍ମଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଟି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଫାଇଲମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଉଣ୍ଡ ୱର୍ମ ହେବ ଆସ୍କ ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଦେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସକିଂ ଲିଜ୍ ୟାର୍ଥୱର୍ମ ହେବ ଏନଲିଡ଼ା
55 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन ए टेपोर। देन 56 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम। हम जानचे इकोसिस्टम रा दीटा फैक्टर अछि, गोटे होची बायोटिक फैक्टर आ गोटे होची अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर माने कोनो यार लाइफ अछि बा लिविंग ऑर्गेनाइजम ताको कहबा आमे बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर माने जहार लाइफ नाही, नॉन लिविंग ऑर्गन, नॉन लिविंग थिंग्स तले प्लांट, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर। तो बायोटिक फैक्टर कोडा हबो, बायोटिक फैक्टर ऑप्शन ए प्लांट। प्लांट प्लांट हबो कोन बायोटिक फैक्टर, देन सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, ए तीनटा हबो अबायोटिक फैक्टर। तो 56 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन ए प्लांट। देन 57 इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग आट द माइक्रोफाइलर एंड नोन आज। आम जानचे गोटे एंजियोस्पर्म दुईटा एंड थाए, तल एंड को आम कौन हुए चला चले एंड, देन ऊपर एंड को माइक्रोफाइलर। तो जो एंड दुईटा थाए द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग आट द माइक्रोफाइलर एंड नोन आज। ये जो माइक्रोफाइलर एंड रे जो सिनर्जिड थाए चला चलेन रे कौन थाए तीन टा एंटीपोडल थाए, देन सिनर्जिड कौन थाए माइक्रोफाइलर एंड रे। तो जो सिनर्जिड जोटी कौन है कि थिकनिंग हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोफाइलर एंड नोन एज फिलिफ्रॉम अपरेटस। 57 क्वेश्चन रा आंसर हम सी जो माइक्रोफाइलर एंड रे जो थिकनिंग सेलुलर थिकनिंग अच्छी माइक्रोफाइलर एंड रे तो कौन कहती फिलिफ्रॉम अपरेटस। 57 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन सी। देन 58 ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्राटोस्फीयर इज। स्ट्राटोस्फीयर आमर आटमोस्फीयर फाइवटा लेयर अच्छी, फास्ट हूँ कौन ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्राटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। तो जो स्ट्राटोस्फीयर प्रेजेंट अच्छे से कौन थाए ओजोन लेयर थाए। तो ओजोन लेयर ओजोन फॉर्मूला कौन O3 तेल से कौ आटम ट्राई आटोमिक मलेक्यूल। तेल आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन सी ट्राई आटोमिक मलेक्यूल, कारण ओजोन फॉर्मूला हूँ कौन O3 ऑक्सीजन तीन टा आटम। तो तीन टा आटम अच्छी मैंने आंसर हम ऑप्शन सी ट्राई आटोमिक मलेक्यूल। 58 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन सी ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्राटोस्फीयर इज ए ट्राई आटोमिक मलेक्यूल, तीन टा ऑक्सीजन आटम अच्छी। देन 59 द फंक्शन ऑफ माल्पिगियन ट्यूबुल्स ऑफ द इंसेक्ट इज टू। तो माल्पिगियन ट्यूबुल कौ फाइलम रे प्रेजेंट थाए आम जानते आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अंडर रे प्राय इनसेक्ट सब जानती। द फंक्शन ऑफ माल्पिगियन ट्यूबुल ऑफ द इंसेक्ट इज टू कौन पाई थाए माल्पिगियन ट्यूबुल बा आर्थ्रोपोडा फाइलम रे जो माल्पिगियन ट्यूबुल प्रेजेंट अच्छी सेटा कौ काम करे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ता सहित ऑस्मोरेगुलेशन सहित एक्सक्रीशन रे भी हेल्प करे। तो 59 क्वेश्चन आंसर कौन हम आंसर हम ऑप्शन सी हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम रे जो माल्पिगियन ट्यूबुल प्रेजेंट अच्छी तार फंक्शन कौन ऑस्मोरेगुलेशन रे हेल्प करे। 59 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन सी। देन 60 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो जो ऑप्शन देला हमर प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मिथेन ए चारटा मध्यरु को कहा र परिमाण बायोगैस रे अधिक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आंसर हम मिथेन। बायोगैस रे मिथेन रो परिमाण साधारणतः केते 70-75% थाए। तो 60 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन डी मिथेन। मिथेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस रे 75% कोन थाए मिथेन थाए। तो 60 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन डी मिथेन। देन 61 इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लिकोप्लास्ट व्हिच स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो क्लोरोप्लास्ट कौन थाए हम जानचे तीन प्रकार क्लोरोप्लास्ट कौन कौन जो प्लास्टिड थाए सेटा तीन भाग विभक्त कौन क्रोमोप्लास्ट देन क्लोरोप्लास्ट देन लिकोप्लास्ट। चलिए जो क्लोरोप्लास्ट देची एटा कौन हबा कथा लिकोप्लास्ट हबा कथा कारण आम पढ़ी आगुरी कौन क्लोरोप्लास्ट ची ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट हूँ कलरफुल जमीक फ्रूट आउ कौन थाए फ्लावर थाए क्रोमोप्लास्ट
देन लिकोप्लास्ट जोटा कि कलरलेस, ये क्लोरोप्लास्ट कौन हो ग्रीन हो लिकोप्लास्ट हबार थिला जो इन क्लोरोप्लास्ट प्लेस रे कौन रहा दरकार लिकोप्लास्ट। तो जो आम प्लास्टिड रे तीन टा कौन अच्छी क्लोरोप्लास्ट अच्छी जोटा कि ग्रीन कलर जो पत्र कलर ग्रीन होता है देन क्रोमोप्लास्ट जहाँपाई फ्रूट फ्लावर ये सब कौन होता है कलरफुल होता है आ गोटे अच्छी ल्यूकोप्लास्ट जोटा कि कलरलेस। तेल जो आम ल्यूकोप्लास्ट अच्छी जोटा कि कलरलेस से भी सेटा तीन भाग विभक्त। गोटे ल्यूकोप्लास्ट रे कौन हुए स्टार्च बा ग्लूकोज स्टोर हुए आ गोटे क्लोरोप्लास्ट रे प्रोटीन स्टोर हुए ग्लूकोज बा कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुए आ गोटे ल्यूकोप्लास्ट रे कौन फैट फैट स्टोर हुए। गोटे रे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुए गोटे रे प्रोटीन स्टोर हुए आ गोटे रे फैट स्टोर हुए। तो जो ल्यूकोप्लास्ट रे कार्बोहाइड्रेट स्टोर हुए ताको कौन कहती अमाइलोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट रे प्रोटीन स्टोर हुए ताको कहबा प्रोटीनोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट रे फैट स्टोर हम ताको कहबा एलायोप्लास्ट। तो आमर आंसर कौन आम क्वेश्चन कौन देखिए टाइप अफ ल्यूकोप्लास्ट हुई स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तले जो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करिबा ता कौन कहबा आंसर हम आमर ऑप्शन बी अमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर करे प्रोटीन भी स्टोर करे फैट भी स्टोर करे। जो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करिबा ताको कहबा अमाइलोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करिबा ताको कहबा प्रोटीनोप्लास्ट आ जो ल्यूकोप्लास्ट फैट स्टोर करिबा ताको कहबा एलायोप्लास्ट। तो हम क्वेश्चन देछि स्टोर कार्बोहाइड्रेट ता आंसर हमर हबो ऑप्शन बी अमाइलोप्लास्ट। 61 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी अमाइलोप्लास्ट। देन 62 इन ए सिंपल फूड चेन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। हमारा ट्रॉपिक लेवल चार्टा अच्छी फर्स्ट होची प्रोड्यूसर देन प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सियरी कंज्यूमर बा जोटा को आम कौन कहे डिकम्पोजर। तो प्राइमरी कंज्यूमर किए प्राइमरी कंज्यूमर किए हे जे प्रोड्यूसर को खाऊ जे प्लांट को खाऊ। तो आम ऑप्शन कौन अच्छी सीप अच्छी लायन अच्छी प्लांट अच्छी टाइगर अच्छी। तो प्लांट ये कौन हो प्लांट ये हम प्रोड्यूसर देन सीप टाइगर कौन हम सॉरी सीप लायन टाइगर ये तीन टा रहा कारण प्लांट आमर हो कौन प्रोड्यूसर। तो लायन टाइगर हो सेकेंडरी कंज्यूमर जो मैंने कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाइबे से सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर को जी खाइबे से प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्लांट को किए खाइब प्लांट आमर हूँ प्रोड्यूसर तो प्लांट को सीप खाइब। तो ये आमर आंसर हम कौन ऑप्शन ए सीप सीप इज ए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जो एनिमल प्रोड्यूसर बा प्लांट को खाती से प्राइमरी कंज्यूमर आ जो मैंने प्राइमरी कंज्यूमर को खाइबे से सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को जी खाइबे से भी टर्सियरी जहाँ को आम कहे डिकम्पोजर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को आम कहे कार्निवोर और प्राइमरी कंज्यूमर को आम कहे हर्बीवोर। तो ये हर्बीवोर किए हर्बीवोर हूँ सीप लायन और टाइगर हे सेकेंडरी कंज्यूमर जहाँ को आम कह कार्निवोर प्लांट जी हूँ प्रोड्यूसर। तो 62 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन ए सीप सीप इज ए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर जे कि हर्बीवोर। देन क्वेश्चन 63 थोमास हर्ट मोर्गन यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मॉडल सिस्टम फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बाय व्हिच ही एस्टैब्लिश्ड द क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तले जो थोमास हंट मोर्गन थिले से कोस मॉडल ऑफ सिस्टम को यूज करथिले कोथिरे तांका एक्सपेरिमेंट और रिसर्च रे को मॉडल ऑफ सिस्टम को यूज करथिले कोन पई जहा फल रे से कोन एस्टैब्लिश कर परथिले क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। थोमास हंट मोर्गन जो एक्सपेरिमेंट बा रिसर्च करथिले सेथिरे से गोटे मॉडल ऑफ सिस्टम यूज करथिले जहाँ फल रे से क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी को एस्टैब्लिश कर परथिले। तासे जो मॉडल ऑफ सिस्टम थिला से कोन कोन हबो 63 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। 63 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन बी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मॉडल ऑफ सिस्टम को थोमास हंट मोर्गन तांका एक्सपेरिमेंट और रिसर्च रे यूज करी क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी एस्टैब्लिश करी थी। 63 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन बी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। देन क्वेश्चन 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सम प्लांट सेल आर नोन एज
डिक्टियोजोम। ताले प्लांट सेल रे को सेल ऑर्गेनेल को डिक्टियोजोम कह जाए। एनिमल सेल रे जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छी, प्लांट सेल रे भी सही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छी। ताले एनिमल सेल रे जो सेल ऑर्गेनेल, प्लांट सेल रे जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट अच्छी कहा को सेल ऑर्गेनेल को डिक्टियोजोम कह जाए। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर ना गल्गी अपारेटस, आंसर कौन हम? आंसर हम गल्गी अपारेटस। एनिमल सेल रे जो गल्गी अपारेटस प्रेजेंट अच्छी, प्लांट सेल रे से गल्गी अपारेटस को डिक्टियोजोम कहती। तो 64 रा आंसर कौन हम? 64 रा आंसर हम गल्गी अपारेटस। गल्गी अपारेटस सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सम प्लांट सेल आर नोन एज डिक्टियोजोम। गल्गी अपारेटस को प्लांट सेल क्षेत्र में डिक्टियोजोम कहा जाए। देन क्वेश्चन 65, हाउ मेनी जर्मिनल लेयर आर प्रेजेंट इन द राउंड ओर्म। तले राउंड ओर्म को फाइलम अंडर जाउची, हम जानचे राउंड ओर्म टा आस्कहेल्मिन्थेस। तो आस्कहेल्मिन्थेस हेल्मिन्थेस अमर फिफ्थ फाइलम। फर्स्ट फाइलम होची पोरिफेरा, देन सिलेंडराटा, देन टिनोफोरा, देन प्लाटीहेल्मिन्थेस एंड देन आस्कहेल्मिन्थेस। तो पोरिफेरा कौन? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो सेथिपई ता देरे जर्मिनल लेयर नाही। देन टिनोफोरा एंड सिलेंडराटा जोटा कि को लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो सेटा होची कौन? डिप्लोब्लास्टिक, माने दीटा जर्म लेयर प्रेजेंट अछि, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेजोडर्म प्रेजेंट नाही, तो जो सिलेंडराटा एंड टिनोफोरा रहिला सेटा होची डिप्लोब्लास्टिक। पोरिफेरा होची सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, सेथिपई तार जर्मिनल लेयर नाही। देन आसला टिनोफोरा एंड सिलेंडराटा जोड़ा होची टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, तो से दीटा जर्मिनल लेयर देखा जाए, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेजोडर्म देखा जाए नी। तो सिलेंडराटा एंड टिनोफोरा होची डिप्लोब्लास्टिक। देन आसला प्लाटीहेल्मिन्थेस, फोर्थ फाइलम होची प्लाटीहेल्मिन्थेस जोड़ा होची ट्रिप्लोब्लास्टिक, माने तीन टा जर्मिनल लेयर प्रेजेंट अच्छी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। तो प्लाटीहेल्मिन्थेस ठारू कड़ाटा जाए कौन है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, माने तीन टा जर्मिनल लेयर प्रेजेंट अच्छी। तो राउंड ओर्म होची आस्कहेल्मिन्थेस, तो केतेटा जर्मिनल लेयर? तीन टा। तो 65 क्वेश्चन रा आंसर हम 3, किंतु प्लाटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक हेले मध्य तार मेजोडर्म जोड़ा प्रेजेंट था मझीरे जो आमर तीन टा जर्मिनल लेयर कौन कौन? एक्टो, मेजो, देन एंडो। किंतु जो प्लाटीहेल्मिन्थेस क्षेत्र जो मेजोडर्मटा सेटा सॉलिड ही थे, किंतु आस्कहेल्मिन्थेस ठारू कौन मेजोडर्मटा लिक्विड जोड़ा सिपमेंट घटे सिलम देखा जाए। तो जो आस्कहेल्मिन्थेस बा राउंड ओर्म सेटा केते जर्मिनल लेयर विशिष्ट? तीन जर्मिनल लेयर विशिष्ट, तेणुकरी कहती कौन? ट्रिप्लोब्लास्टिक। 65 रो क्वेश्चन रा आंसर हला ऑप्शन ए 3। देन क्वेश्चन 66, प्रोकैरियोट्स कंटेन 70S राइबोसोम, द 70S राइबोसोम आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट। तले जो प्रोकैरियोट मान का क्षेत्र रे को प्रकार राइबोसोम देखा जाए? 70S हम जानचे यूकैरियोटिक क्षेत्र रे 80S राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक क्षेत्र रे 70S राइबोसोम। तले जो 70S राइबोसोम अछि तर सब यूनिट दीटा जो कौन? तर सब यूनिट कौन हबा 70S राइबोसोम रो? सब यूनिट हबो कौन 50S एंड 30S। समथि 80S राइबोसोम जोड़ा कि यूकैरियोटिक क्षेत्र में देखा जाए, समान सब यूनिट कौन? 60S एंड 40S। बट जो 70S राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी प्रोकैरियोटिक मान क्षेत्र में, समान सब यूनिट दुटा कौन? 50S एंड 30S। तो 66 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन सी 50S एंड 30S। आ जो 80S राइबोसोम तार दुटा सब यूनिट हूँ 60S एंड 40S। 66 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन सी 50S एंड 30S। देन क्वेश्चन 67, द प्रोसेस व्हेयर बैक्टीरिया और अदर डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स फ्रॉम वेस्ट और ए डेड बॉडी इनटू सिंपलर केमिकल्स सच एज अमोनिया इज टर्म्ड एज। तले कौन कहती जो डिकम्पोजर माने रहिले समान कौन करती जो प्लांट आउ एनिमल मान कथा द प्रोसेस और बैक्टीरिया और अदर डिकम्पोजर ब्रेक डाउन नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल फॉर वेस्ट और डेड बॉडी इनटू सिंपलर केमिकल। जो डेड बॉडी और वेस्ट मटेरियल अच्छी किसी बैक्टीरिया कौन करती ब्रेक डाउन करके अमोनिया कन्वर्ट करती।
ताल से जो प्रोसेस को कौन कहते 67 रा आंसर कौन हम 67 रा आंसर हम जो केमिकल रे जो अमोनिया रे कन्वर्ट करती नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल को अमोनिया रे कन्वर्ट करिवे से प्रोसेस को कौन कहते अमोनिफिकेशन तो 67 क्वेश्चन रा आंसर हम अमोनिफिकेशन जो प्रोसेस रे किसी बैक्टीरिया बा डिकम्पोजर कौन करती जो नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल अच्छी बा वेस्ट बा डेड बॉडी रु अमोनिया को कन्वर्ट करती से प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहती 67 क्वेश्चन रा आंसर हम ऑप्शन डी देन 68 खादिन सैंड टैंक्स आर अनसीन स्ट्रक्चर दैट आर एग्जांपल फॉर जो खादिन सजी टंकस अच्छी सेटा अनसीन स्ट्रक्चर कौन पे यूज हुए बा कहार एग्जांपल अफॉरेस्टेशन ना वाटर हार्वेस्टिंग ना थर्मल पावर प्लांट्स ना सॉइल कंजर्वेशन तो कौन हम आंसर हम वाटर हार्वेस्टिंग जो खादिन्स अच्छी टंकस अच्छी आनसीन गलरे सेगुड़िक वाटर हार्वेस्टिंग पाई यूज हुए बा वाटर हार्वेस्टिंग रो जो खादिन्स टंकस से सब वाटर हार्वेस्टिंग रे एग्जांपल तो 68 क्वेश्चन आंसर हम कौन ऑप्शन बी वाटर हार्वेस्टिंग खादिन्स एंड टंकस यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग देन क्वेश्चन 69 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन पेरोक्सिजोम्स कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन तले किछि एंजाइम कोड प्रेजेंट थांदी पेरोक्सिजोम रे त से माने कोन करंती जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अछि तार फार्मूला कोन H2O2 ताको को उधर कन्वर्ट करंती वाटर रे H2O प्लस O2 रे कन्वर्ट करंती तले जो पेरोक्सिजोम रे जो एंजाइम प्रेजेंट अछंती जे की हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो H2O2 रो कोउधर कन्वर्ट करंती H2O आ O2 को कन्वर्ट करंती ताले से मानन को कोन कहंती से जो एंजाइम मानन को कोन कहंती त 69 रे आंसर कोन हबो आंसर हबो कैटालेज जो कैटालेज से एंजाइम को कोन कहंती कैटालेज जो माने की कोन करंती हाइड्रोजन पेरोक्साइड जार फार्मूला होची H2O2 ताको वाटर H2O आ O2 रे कन्वर्ट करंती ताले 69 क्वेश्चन आंसर कोन हबो ऑप्शन बी कैटालेज देन 70 क्वेश्चन 70 लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन दैट स्टार्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर तले जते बेले एटमॉस्फेयर को सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2 एदिटा रिलीज हबो तले सेटा कोन करइबो हम जानि छै जते बेले SO2 एटमॉस्फेयर को रिलीज हबो से वाटर सहित रिएक्शन करइबो तो कोन फॉर्मेशन हबो H2SO4 SO2 बा सल्फर डाइऑक्साइड जते बेले एटमॉस्फेयर को रिलीज हबो से वाटर सहित रिएक्शन करी फॉर्मेशन हबो H2SO4 देन जते बेले NO2 कोन हबो एटमॉस्फेयर को रिलीज हबो से वाटर सहित रिएक्शन करी कोन फॉर्मेशन हबो HNO3 त SO2 फॉर्मेशन हबो को धीरे H2SO4 रे एंड NO2 फॉर्मेशन हबो को धीरे HNO3 तले एदिटा कोन जो H2SO4 HNO3 एदिटा होची एसिड तले एटमॉस्फेयर को ए जो एसिड ए एटमॉस्फेयर रे दीटा एसिड फॉर्मेशन हला त एसिड प्रभाव रे कोन हबो एसिड रेन हबो त 70 क्वेश्चन रा आंसर हबो सी एसिड रेन जते बेला एटमॉस्फेयर को सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रे रिलीज हबो त केमिकल रिएक्शन रे एसिड रेन रो फॉर्मेशन हबो त 70 क्वेश्चन रा आंसर हबो ऑप्शन सी एसिड रेन तो इठी हमरा 20 क्वेश्चन डिस्कशन हे गेल।